कहाँ है, काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काय काय करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। मेरे को बोल देते बीजेपी का दल्ला, हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरह अलविश यादव ने ध्रुव राठी के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी, और उन्होंने उस वीडियो में ध्रुव राठी के लिंक्स ऐसे लोगों से बताए थे जिनको ध्रुव राठी जानते भी नहीं थे, और अलविश यादव ने उनके लिंक्स ISI से भी जोड़ दिए थे और ध्रुव राठी को एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश की थी। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसी वक्त ध्रुव राठी के सपोर्ट में वीडियोस बनाई थी और अलविश यादव को गलत साबित किया था, लेकिन अलविश भाई को समझ में ही नहीं आ रहा था और अलविश भाई के फैंस को लग रहा था कि अलविश भाई सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियोस में आर्टिकल्स और स्क्रीनशॉट दिखाए थे और वो बार बार कह रहे थे कि भाई मेरी बात पर यकीन मत करो, गूगल करो, मेरा भी मत करो। अगर जो चीज तुम्हें लग रहा है कि ये चीज यार सही नहीं है, तो इंटरनेट तुम्हारा है, जाके क्रॉस चेक करो। गूगल आप सभी लोगों का है, उस पर जाके आप लोग सर्च कर सकते हो, आर्टिकल कोई भी देख सकता है। तो और इसी की वजह से बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को गलत भी समझने लगे थे, क्योंकि दोस्तों ध्रुव राठी ने उस वक्त तक कोई काउंटर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन भाई कल ध्रुव राठी ने जो वीडियो अपलोड की है माय रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, जिसमें उन्होंने अलविश यादव को बहुत अच्छे से रेला है और उनकी कही गई हर बात का काउंटर जवाब दिया है। भाई जब अलविश यादव ने वीडियो अपलोड करी थी तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि ध्रुव राठी गलत हो सकता है या गलत है, क्योंकि भाई जब कोई इंसान एक बात झूठ बोलता है तो हम समझ जाते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जब कोई इंसान किसी के खिलाफ बहुत सारे झूठ बोलने लगे और उसे बहुत सारे लोगों से लिंक कर झूठ बोले, तो हमें लगता है कि यार इतनी सारी बातें तो गलत नहीं हो सकती, कुछ तो सच जरूर होगा और कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दोस्तों, बस यही ट्रिक अलविश यादव ने अपनी वीडियो में यूज करी थी। उन्होंने एक ऐसी इमेजिनरी कहानी बनाई और कुछ आर्टिकल्स और स्क्रीनशॉट दिखाए, जिसे देखकर लोगों को लगने लगा कि अलविश यादव सच बोल रहे हैं। और दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ध्रुव राठी को गलत समझने लगे थे, क्योंकि उस वक्त ध्रुव राठी ने अलविश यादव को काउंटर वीडियो के तौर पर कोई रिप्लाई नहीं दिया था, इसलिए अलविश यादव अपनी वीडियो में काउंटर वीडियो कहाँ है, काउंटर वीडियो कहाँ है कहकर चिल्ला रहे थे और अपनी ऑडियंस और अपने फैंस को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन भाई कल की वीडियो में ध्रुव राठी ने अलविश यादव को जो रिप्लाई दिया है, उसे देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। दोस्तों, ध्रुव राठी ने लगभग आधे घंटे की वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें अलविश यादव के हर एक बात का जवाब नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा है कि सारी बातों का जवाब देने में एक और वीडियो लगेगी, जो तूने गंदगी फैलाई है इसको साफ करने में एक और वीडियो लगेगा। आगे के एक वीडियो में दोस्तों बाकी सारे आरोपों को भी डिटेल में समझेंगे और इस अलविश यादव की असली पर्सनैलिटी को भी पकड़ेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अभी क्या सोच रहे हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि ध्रुव राठी को काउंटर वीडियो बनाने में इतना समय क्यों लग गया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी को भी जवाब देने के लिए हमें पुख्ता सबूत की जरूरत पड़ती है, इसलिए ध्रुव राठी और उनकी टीम ने अलविश यादव को काउंटर करने के लिए पहले रिसर्च करी होगी और फिर यह वीडियो बनाया होगा। दोस्तों, रिसर्च करने में भी काफी समय लगता है, क्योंकि भाई हर कोई बंदा अलविश यादव की तरह झूठ तो नहीं बोल सकता ना, और अगर दोस्तों वह बोल भी दे तो एक ना एक दिन तो जरूर सच सामने आ ही जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और दोस्तों, आप इन दो यूट्यूबर्स में से किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट कर जरूर बताना, अलविश यादव या ध्रुव राठी।